नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर रे। और AAACCC की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ एक स्टेप बाकी है, वो है चॉइस लॉकिंग का। अभी क्या देखने को मिला, सबसे बड़ी दिक्कत कि बहुत सारे बच्चों को चॉइस लॉकिंग प्रोसेस में OTP नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज फुल हो चुका है, सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो बच्चों, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो चॉइस लॉकिंग का स्टेप है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो चॉइस फिलिंग करके जो आपने सेव किया है वही कंसीडर होगा, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चों का क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन तो कर लिया बच्चों ने, लेकिन पेमेंट नहीं हो पाया, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड राउंड में सिर्फ आपको पेमेंट करके आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। तीसरे बच्चे जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिए, वो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट करके काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट राउंड में जिनके कम मार्क्स थे, हो सकता है कि कॉलेज नहीं में भी ले, तो भी परेशान नहीं होना है। चीज़ों को सीरियस नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है, आराम से रहिए, शांत रहिए, ठीक है बच्चों। और पूरे के पूरे टाइम मेरी पूरी टीम, मैं खुद आपके साथ खड़ा हूँ, तो घबराने की क्या ज़रूरत है। कोई भी डाउट हो इमिडिएटली हमारे जो दोनों हेल्पलाइन नंबर पे है उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, बात कीजिए और अपनी सारी डाउट पूछिए। परेशान नहीं होना है बच्चों। जिन बच्चों का चॉइस लॉकिंग नहीं हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो चॉइस लॉकिंग की स्टेप है उसमें अगर आपने चॉइस फिलिंग करके और सेव करके छोड़ दिया है, तो वही ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा चॉइस, तो परेशान मत होइए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।